हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। SSC CGL भी स्टार्ट हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी जॉइनिंग का वेट कर रहे होंगे। ओके, सो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हो। मेरा नाम अर्पित शर्मा है और मैं एक एक्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ। कैग में था मैं। अभी मैंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जॉब छोड़ दी थी। उनका जॉब सर लेना कुछ नहीं था, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो इस वीडियो में मैं 2023 में सबसे पहले तो मैं विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 सबको कहना चाहता हूँ, और सबको जो भी उनकी ड्रीम जॉब्स हैं वो मिलें, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हों, जो आप तैयारी कर रहे हो उसका एक बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल आउटकम निकले। राइट, तो काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कोरा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इवन यूट्यूब के थ्रू, कि भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप उनके ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि मुझे 4.5 साल का जॉब में एक्सपीरियंस है और ऑलमोस्ट सभी जो फंक्शंस हैं मैं उनसे अवगत हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से रिलेटेड, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और मैं यही होप करता हूं कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ भी सवाल आते हैं तो आप यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट कर सकते हो। राइट, और या फिर कोरा वगैरह पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं देखो, सबसे पहला तो जो क्वेश्चन आता है वो सैलरी का आता है। तो सैलरी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 47,600 जो लेवल 8 का स्टार्टिंग होता है वहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है, ये तो सबको पता ही है। और अभी अगर हम देखें तो DA 38% हो गया है। जब आप लोग ज्वाइन करोगे 50 से ऊपर हो चुका होगा। HRA भी 30% के करीब हो चुका होगा। DA 3600 मिलता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, अदरवाइज 1800 रुपीज़ मिलता है। और उसके अलावा DA और TA मिलता है, NPS भी मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे सैलरी आपकी बनती है। और अच्छी खासी आपकी, आई थिंक इनिशियली आपको 70,000 के करीब इन हैंड सैलरी इसमें मिल जाएगी। और इसमें क्या होता है कि 4 साल के बाद एक आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। ठीक है, तो उसमें आप लेवल 9 में पहुंच जाते हो, सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। एनुअली अगर मैं आपको बताऊं तो 3% तो आपका वैसे इंक्रीमेंट होता है, और जो DA में जो इंक्रीमेंट होता है उसे मिला के 7-8%, आपको 7% के आसपास एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाता है आपकी सैलरी में। ठीक है, जो जो लोग इन्फोसिस, TCS और इन कंपनीज में काम करते हैं उनके हिसाब से अभी ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि आई थिंक आजकल IT में भी उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। 10% ऑन एन एवरेज मिलता है। अब डिडक्शंस अगर मैं बताऊँ तो इनकम टैक्स कटता ही कटता है, वो आपके ऊपर है। आप कैसे कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो, ATC में, AT D वगैरह में, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में। उसके अलावा NPS आपका कटता है, लेकिन वो एक तरीके से आपका एक इन्वेस्टमेंट ही आप उसे मानो। ठीक है, 10% ऑफ योर बेसिक प्लस DA वो कटता है, बट वो आपका जुड़ता रहता है। और 14% उसमें गवर्नमेंट डालती है। राइट, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, पेंशन और इन सब चीज़ों के लिए। फिर कुछ सिटीज़ में प्रोफेशनल टैक्स कटता है बहुत ही मामूली से, 200 रुपये करीब महीने का, CGHS और CGGIS। तो ये कुछ डिडक्शंस होते हैं। सैलरी अच्छी खासी, नो डाउट बढ़िया सैलरी है एकदम जॉब की। सिलेक्शन आपको पता ही है, CGL के थ्रू होता है, एक पेपर होता है एक्स्ट्रा, पेपर 4 जो होता है मेंस में जो होता है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, मैक्रो और माइक्रो दोनों, CAG के बारे में, फाइनेंशियल कमीशंस के बारे में, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो भाई ऑडिट इसमें एक तो आपके हेडक्वार्टर्स में आप बैठ जाते हो, ठीक है, जो ऑफिस डेस्क जॉब होती है, या फिर एक फील्ड जॉब होती है। तो डेस्क जॉब में आप ऑफिस में रहते हो, आपका वही 9:30 to 5:30 वाला ऑफिस का टाइमिंग रहता है, आपका फिक्स लंच के आवर्स रहते हैं, उसमें कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारी डिपार्टमेंट सेक्शंस हैं ऑफिस के अंदर, जैसे एक एडमिन सेक्शन हो गया,
उसके अलावा आपका रिपोर्ट्स का एक अलग सेक्शन होता है, ड्राफ्ट पैरा के अलग सेक्शन होते हैं, आईटी में आपका ईडीपी वगैरह के अलग सेक्शन होते हैं। तो एक ऑफिस में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, आपको कहीं पे भी उसमें से किसी का भी चार्ज दिया जा सकता है। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, बट इवेंचुअली आपको एक चार्ज मिल जाएगा, आप एक सेक्शन ऑफिसर की तरह काम करोगे, आपके ऊपर सीनियर हो, आपके सुपरवाइजिंग ऑफिसर होंगे। फील्ड ऑफिस इज एक्साइटिंग इफ़ यू लव ट्रैवलिंग। अगर आप बैचलर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में फील्ड में ही जाइए, जो लोकल फील्ड होती है, मतलब सेम सिटी में विद इन द सिटी, या फिर उसके बाद सिटी के बाहर विद इन द स्टेट जो फील्ड होती है, तो उसमें आप जाओगे आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स और जो PSUs वगैरह होते हैं स्टेट के, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड में एक तो सिविल ऑडिट होता है, एक आपका कॉमर्शियल ऑडिट होता है। कॉमर्शियल ऑडिट में जो कॉमर्शियल एंटिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके ऑडिट होते हैं। जो कॉमर्शियल में जाते हैं, MAB वगैरह में जो जाते हैं, उन्हें ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना पड़ जाता है, ठीक है। आपको कुछ, अगर आप PSUs का ऑडिट करें तो कुछ PSUs दे दिए जाएंगे, तो जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेज हैं। अदरवाइज़ आप और चीज़ों के ऑडिट कर रहे हो कॉमर्शियल में, तो जहाँ भी ऑफिसेज वगैरह हैं एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। सिविल में विद इन द स्टेट नॉर्मली रहते हैं। उसके अलावा आपका रेलवे ऑडिट होता है और PNT ऑडिट होता है, ये अलग स्ट्रीम से, कुछ लोगों को इनमें भी मिलेगा, राइट। तो फील्ड ऑडिट होता है, फील्ड ऑडिट में ये होता है कि डिपेंड करता है, तो स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ट्रैवलिंग होगी, दूसरा आप किस उसके किस डिपार्टमेंट में जाते हो, किस चीज़ का आपको ऑडिट मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। कई लोगों का ऐसा होता है साल में भाई 6 से 8 महीने भी बाहर रहना पड़ सकता है, कई लोगों को ये होता है साल में 2 या 3 महीने ही बाहर रहना पड़ता है, या उससे भी कम बाहर रह के भी आपका काम चल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है, जिन लोगों को ये लगता है कि भाई फील्ड ऑडिट में जाने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप नहीं करना चाहते हो या आपको सूट नहीं कर रहे, तो आप ऑफिस में बात करिए, ठीक है। तो आपको लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, जो आपके ऑफिसर्स होंगे, कलीग्स होंगे, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, जो पहले से काम कर रहे होते हैं और कंसीडर करते हैं, तो आप फील्ड से हेडक्वार्टर में जा सकते हो। जिन लोगों की फैमिली हैं या बच्चे हैं या न्यू बॉर्न हैं जो फील्ड में नहीं जा सकते, तो ये चीज़ कंसीडर हो जाती है। तो ये तो ट्रैवलिंग का हो गया और आपकी जॉब प्रोफाइल नॉर्मली हो गई, राइट। उसके अलावा जो पर्क्स होती हैं, पर्क्स के बारे में पूछा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पर्क्स होती हैं नॉर्मली वही होती हैं। अगर आप फील्ड ऑडिट में जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत अच्छे से आपको आपसे पेश आते हैं, ठीक है, काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है, काम भी उसमें अच्छा होता है। पर फील्ड ऑडिट में होता है कि काम का कोई टाइम नहीं होता, कई बार हो सकता है कि आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाए, कई बार हो सकता है कि काम आपका स्ट्रेच भी हो सकता है, तो ये चीज़ एक होती है फील्ड ऑडिट में। कई स्टेट्स में 6 डेज अ वीक है, कई स्टेट्स में 5 डेज अ वीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र कॉमर्शियल स्ट्रीम में अगर आपको मिलती है तो कॉमर्शियल में आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है इजीली 2-3 साल में, सिविल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक रास्ता होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, अगर बाय चांस आप सपोज़ करो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के हो, आपको मिल गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से अगर कोई बंदा दिल्ली में, तमिलनाडु का कोई बंदा पोस्टेड है आसपास के स्टेट का, वो तमिलनाडु आना चाहता है, म्यूचुअली आप एग्री कर लेते हो तो आप दिल्ली आ सकते हो। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब भी हो जाए, प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद इजीली मिल जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, बट प्रोबेशन में भी अगर आप हो तो मिल जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके अच्छे अच्छे टर्म्स हैं तो, राइट। उसके अलावा म्यूचुअल एक डेप्यूटेशन होती है, आप डेप्यूटेशन करती है, आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है, तो डेप्यूटेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं विद इन द डिपार्टमेंट और आउटसाइड डिपार्टमेंट, उसके थ्रू भी आप दिल्ली वगैरह में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स के हो दिल्ली में आ सकते हो, राजस्थान में भी मैंने देखी हैं, महाराष्ट्र में भी होती हैं, और कुछ इन सब स्टेट्स में डेप्यूटेशन की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो आप WO ज्वाइन करोगे, अपना प्रोबेशन वगैरह कंप्लीट करोगे, जिसके लिए आपको सेस देना पड़ेगा, कई स्टेट्स में रीजनल एग्जाम भी, रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है। तो जब आप WO ज्वाइन करोगे, 4 साल बाद आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेड मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि WO के बाद AO होता था, ऑडिट ऑफिसर, बट अब वो पोस्ट ख़त्म कर दी गई, अब सीधा सीनियर हो आप बनते हो, 7 साल की जो अपनी जॉब के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, 9-10 साल में बन जाते हो, बट वो भी डिपेंड करता है स्टेट्स पे, ठीक है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स में स्लो है, कुछ स्टेट्स में अच्छी स्पीड पे ये चीज़ काम करती है, ठीक, बट 9-10-11 साल में आप आराम से बन जाते हो। उसके बाद फिर DAG,
फिर सीनियर डीएजी, एजी, तो कोई बहुत ही यंग ज्वाइन करता है और अच्छे ट्रांसफर्स ले लेता है तो एजी तक भी वो पहुंच सकता है, सीनियर डीएजी तक तो पहुंच ही जाएगा आराम से, ठीक है। और अभी क्या है कि सीएजी के अंदर एक इंटरनली एक आप कह सकते हो थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कुछ नई पोस्ट भी निकलने की उम्मीद है जो कि सीनियर एओ के बाद की पोस्ट है, डीएजी के बदले आपको वो भी बनाया जा सकता है, मैनेजीरियल पोस्ट होती हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोस्ट, तो उनमें भी आपका हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी, बहुत तेज़ी से जो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है चेंज हो रहा है, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय फ्रेंडली हो रहा है बहुत ज़्यादा और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं सीएजी में, तो इसलिए भी ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद ट्रैवलिंग का मैंने आपको बता दिया, सेस का 9 पेपर्स होते हैं नॉर्मली सारी स्ट्रीम्स में ही, 1 to 5 जो होता है वो जो जनरल पेपर्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, आईटी, आईटी के 2 होते हैं, एक आपका प्रैक्टिकल होता है और एक आपका थ्योरी होता है, इंग्लिश होता है और एक आपका ये होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, तो एक एक दो दो दिन की तैयारी से आप आराम से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद 4 पेपर थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनको आपको मतलब ध्यान देना है जिन पे, ठीक है, और उनकी अगर आप तैयारी हो रही हो तो कुछ लोगों ने तो एक एक अटेम्प्ट में ही निकाल दिया इस एग्ज़ाम को, बट 2 अटेम्प्ट में आराम से ही निकल सकता है, मेरा भी 2 अटेम्प्ट में ही निकला था। उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपकी, जिससे आपकी जो इंक्रीमेंट होता है, रेवेन्यू ऑडिट एग्ज़ाम होता है, सीपीडी एग्ज़ाम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप दे सकते हो, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको इंक्रीमेंट उसमें मिलता जाता है। रीजनल लैंग्वेज के एग्ज़ाम कुछ स्टेट्स में होता है, जैसे साउथ के स्टेट्स में होता है, और अगर आपकी 10th लेवल पे वो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी, ऑब्वियसली अगर आप यूपी को बिलोंग करते हो तो आपने कन्नड़ा या तमिल नहीं पढ़ी होगी तो आपको वो एग्ज़ाम देना होगा, बहुत टफ नहीं होता है, अगर आप सही से तैयारी कर लेते हो एक बेसिक लेवल की तो आपका वो क्लियर हो जाता है 1-2 अटेम्प्ट्स में, कई लोगों ने तो 1st अटेम्प्ट में ही क्लियर करा है। बट हाँ ये है कि आपका अगर साउथ के स्टेट्स में होता है या दूसरे स्टेट्स में होता है जहाँ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है तो इनिशियली आपको दिक्कत आएंगी काम करने में जब आप फील्ड ऑडिट पे जाओगे, इवन ऑफिसेज में भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, कई डॉक्यूमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट के उसी लैंग्वेज में होते हैं तो आपको वो पढ़ने पड़ते हैं, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो पढ़ लोगे, आजकल तो ऐप्स भी आती हैं, बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप उस लैंग्वेज को सीखो, अगर आपको कहाँ वो स्टेट अच्छा लग रहा है आपको कंटिन्यू करना है, और इवन नहीं भी करना है तो लैंग्वेज तो सीख ही लो, ठीक है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी है, अगर डेप्यूटेशन मिलती है या म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलता है तो अलग बात है, आप अपने स्टेट में आ ही जाओगे, बट लैंग्वेज सीख के काम करोगे तो एटलीस्ट ये है कि हाँ आपको थोड़ा मज़ा आएगा। बट अगर आपको हिंदी स्पीकिंग स्टेट मिल जाते हैं और आप हिंदी स्पीकिंग हो या आपको अपनी लैंग्वेज वाला स्टेट मिल जाता है तो नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज आपको काम करने में मज़ा आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग्स भी होती हैं, यूएन पोस्टिंग होती है, एम्बेसी पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट्स, उसका एक एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपकी एक तरीके से मैं कहूँ आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, आपकी जो एपीआर होती है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो होती हैं एक हर साल जो निकलती हैं, वो आपकी बढ़िया हैं, आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपके सीनियर्स में आपकी इमेज अच्छी है, काम आप अच्छे से डिलीजेंटली करते हो तो ये चीज़ इजी हो जाती है, 3 साल की बढ़िया आपको यूएन वगैरह की पोस्टिंग मिल जाती है या फिर एम्बेसी ऑडिट पे भी आपको बाहर जाने को मिलता है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस जॉब के साथ, दूसरे एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है यार देखो ट्रेनिंग वगैरह में तो ठीक है आपको टाइम मिल जाता है, उसके बाद अगर आप फील्ड ऑडिट वगैरह पे हो या ऑफिस में हो ना उतना टाइम नहीं मिल पाता, आपको मतलब एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं कि सुबह को जल्दी उठ के आप कर रहे हो या रात में आप कर रहे हो, क्योंकि फील्ड ऑडिट पे तो कोई टाइम नहीं होता है ज़्यादातर, आप कई बार ट्रैवलिंग में भी उधर थक जाते हो बहुत, डेस्क जॉब है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ट्राई करो डेस्क जॉब आपको मिल जाए ऑफिस में ही अपने, ठीक है उसमें फिक्स टाइम तो है ही, फिर थोड़ा थक जाओगे तो आप थोड़ा एफर्ट लगा के आप तैयारी इसमें कर सकते हो, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जॉब के, आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं जॉब से रिलेटेड, अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ पे डाउट है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, तो मैं तो ऑब्वियसली इस जॉब को रेकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी जॉब है, एसएससी सीजीएल के थ्रू इज द ओनली गैजेटेड जॉब, प्रमोशंस वगैरह वैसे ठीक है, पे वाइज सैलरी वाइज अच्छी जॉब है, पर्क्स वाइज अच्छी जॉब है, अपना आपको स्टेट मिल जाता है तो भाई उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है इस जॉब में, ठीक है, तो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स 2023, आप जो भी एग्जाम दो
क्लियर करो, सक्सेसफुल रहो उसमें। कोई क्वेरी है आप मेरे को एज अ मेंटर उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं यही कोशिश करूँगा अगर आपके सवाल हैं, क्योंकि और भी लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, तो एक वीडियो के थ्रू मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ, या फिर किसी चीज़ की तैयारी वगैरह करनी हो तो आप वो चीज़ मुझे बता सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।